ब्रॉट यू बाय इंडिपेंडेंस। आज इंडिपेंडेंस स्पेशल खाना बनेगा घर पे, क्योंकि इसके है कणकण में स्वाद, कणकण में भारत। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट लिखी है। इस पोस्ट में राघव चड्ढा ने एक तस्वीर भी साझा की है। इस तस्वीर में राघव चड्ढा के साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी नजर आ रहे हैं और वो श्री कृष्ण को स्नान करा रहे हैं। इस तस्वीर को साझा करते हुए राघव चड्ढा ने श्री कृष्ण का उल्लेख करते हुए अरविंद केजरीवाल का भी जिक्र किया है और ये भी कह रहे हैं, ये दावा भी कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल भी जल्द ही जेल से बाहर आने वाले हैं। तो क्या लिखा है राघव चड्ढा ने वो आपको बताते हैं। राघव चड्ढा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, भगवान श्री कृष्ण को कैद करके उन्हें सत्यता और मानवता की रक्षा करने से रोकने की कोशिश की गई, मगर तमाम छल और षड्यंत्र भी उन्हें उलझा नहीं पाए। कठिन चुनौतियों से लड़ते हुए श्री कृष्ण ने मनुष्य जाति को उसका असली कर्म समझाया, जिनके उपदेश मात्र से मानव जाति की पीढ़ियां भव सागर से तर जाती हैं, जिनके योग में संपूर्ण सृष्टि का कल्याण निहित है। ऐसे निष्काम कर्म योगी आदर्श दार्शनिक और 16 कलाओं में पारंगत योगी राज श्री कृष्ण जन्माष्टमी की आप सभी को बधाई एवं शुभकामनाएं। अरविंद केजरीवाल जी श्री कृष्ण के अनन्य उपासक हैं, श्री कृष्ण उनके गुरु हैं। इस जन्माष्टमी हम उम्मीद करते हैं कि अब वो समय आ गया है जब जेल की बेड़ियां हमेशा के लिए टूट जाएंगी और केजरीवाल जी जल्द ही हमारे बीच होंगे। ये तस्वीर उस समय की है जब मुझे जन्माष्टमी पर अपने नेता केजरीवाल जी के साथ इस्कॉन मंदिर जाने का मौका मिला था। तो राघव चड्ढा उम्मीद कर रहे हैं जन्माष्टमी पर कि कथित शराब घोटाले मामले में जेल में बंद अरविंद केजरीवाल जल्द ही जेल से बाहर आ जाएं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी मामले में सर्वोच्च न्यायालय से अंतरिम जमानत पा चुके हैं, लेकिन सीबीआई ने भी उन्हें 26 जून को गिरफ्तार कर लिया था और सीबीआई की गिरफ्तारी के बाद अरविंद केजरीवाल को अभी किसी न्यायालय से कोई राहत नहीं मिली है, उन्हें राहत का इंतजार है। सर्वोच्च न्यायालय के सामने अरविंद केजरीवाल ने जमानत के लिए याचिका लगाई थी, लेकिन अब उस पर सुनवाई सितंबर के महीने में होनी है। और साथ ही आपको बता दें कि सीबीआई को इस बीच एलजी से अरविंद केजरीवाल पर मुकदमा चलाने की मंजूरी भी मिल गई है। तो वहीं दूसरी तरफ राघव चड्ढा उम्मीद कर रहे हैं जन्माष्टमी के मौके पर कि जल्द ही अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आएं। दिल्ली से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।